आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, धोरण पांच हिंदी में आपणे पाठ नंबर सात खाना खजाना जोईए। तो हवे आपणे पाठ नंबर आठ जोईशुं, जेमनुं नाम छे भरत मिलाप। पाठ नंबर आठ जेमनुं नाम छे भरत मिलाप। तो आपणे पाठमां जोईए, माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गई, उसके साथ सीता भी गई। माता पिता ने आज्ञा नु पालन करवाना हेतु थी राम वन में गया, तेमनी साथे सीता पण गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। भरत ने आ बात की खबर पड़ता ते अयोध्या ना सिंहासन पर न बैसिया, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाव रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। परंतु सिंहासन पर राम ने जे लाकड़ाना चप्पल जेने पादुका कहेवामां आवे छे ते राखी अने अयोध्या ना राजकाज मां ध्यान आप्युं। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा, एटले माटे कहेवामां आव्युं छे के भाई हो तो भरत जेवो। तो वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए है, पास में धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े है। वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए है, पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण करे। वन ना एक भाग मा झूपड़ी मा राम अने सीता बैठा छे अने पासे धनुष बाण साथे लक्ष्मण उभा छे। तेमा आपणे जोईए दृश्य नंबर एक। तो राम कहते हैं भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। राम ने कहा, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। राम ने कहा, भाई लक्ष्मण जरा जोखो आवाज क्या थी आवी रही हो छे। लक्ष्मण ने कहा, इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण ने इधर उधर देखकर कहा, प्रभु सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण ने आम तेम जोईने कह्युं के प्रभु सामने थी केटलाक लोको आवता दिखाई रह्या छे। राम ने कहा, कौन लोग है जरा ध्यान से देखो। रामे कह्युं, कौन लोको छे जरा ध्यान थी जो। लक्ष्मण ने कहा, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग है, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। लक्ष्मण ने ध्यान थी जोईने, अरे आ तो भरत छे, साथे घणा बधा लोको छे, आपणे सावधान थई जवुं जोईए, कदाच ते लोको लड़वा माटे आवी रह्या छे। राम ने हसते हुए कहा, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम ने कहा, हंसते हुए कहा, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। रामे हसीने कह्यू, भाई लक्ष्मण तू तो कारण वगर शंका करवा लागे छे, आटला वर्ष साथे रहीने पण भरत ने न ओळख्यो। लक्ष्मण ने कहा, उत्तेजित होकर पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। लक्ष्मण ने उत्तेजित होकर कहा, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। लक्ष्मण ने गुस्से थईने कह्युं, ओळख्यो केम नहीं, एज मानो दीकरो छे जेने वनवास अपाव्यो। सीता ने कहा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। सीताए कह्युं, एमा बिचारा भरत नो शो वाक। लक्ष्मण ने कहा, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण ने कह्युं, लो बधा लोको तो अहीं जावी रह्या छे। आ छे दृश्य नंबर एक। हवे आपणे जोईए दृश्य नंबर बे। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं।
कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत दौड़ता दौड़ता झोपड़ी नजीक आवे छे, तेमनी आंखों माथी आंसू वही रह्या छे। ते रामना पगमा पड़े छे अने राम भरत ने उभा करीने भेटे छे। भरत ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। भरत ने कहा, रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। भरते रड़ता रड़ता कहूँ, मने माफ करो प्रभु, तमने वनवास अपावामां मारो कोई हाथ नथी, तमे माराथी मोटा छो, तमारे ज राजा बनवो जोईए, हूँ तमने लेवा आव्यो छू, तमे बधा अयोध्या चालो, आ नगरवासीओनी पण एज इच्छा छे, निराश न करो प्रभु। आ छे भरत मिलापनो दृश्य। आगळ जोईए, राम ने कहा, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम ने कहा, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। रामे कह्यू, भाई भरत, हूँ तमारो प्रेम जोईने प्रसन्न छू, परंतु हूँ माता पिता की आज्ञा नो पालन करवा माटे वनमां आव्यो छू, वनवास पूरो करीने ज पाछो आवीश। नगर का एक नागरिक कहा, बोला, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। एक नागरिक ने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। एक नागरिके कहू, ना प्रभु, तमारे अमारी साथे आवुज पड़शे, तमारा विना प्रजा दुखी छे, प्रजा ने सुखी राखवी ए राजा नी फरज छे। राम ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। राम ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत को आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। रामे कहूँ, नगरजनों, अत्यारे माता पिता ने अपना पालन करवो ए मारी सौथी मोटी फरज छे, भरत मारो भाई छे, ज्यां सुधी हूँ वनवास पूरो करीने पाछो न आवुं, त्यां सुधी भाई भरत तमारा बधाना सुख दुखनुं ध्यान राखशे, तमे एने राजा मानो, ए मारो आदेश छे। भरत ने कहा, कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। भरत ने कहा, कुछ सोचकर कहा, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। भरत ने कई विचारी के कहूँ, सारा प्रभु, जेवी तुम्हारी आज्ञा, परंतु मारी एक विनती छे, तेनो स्वीकार करो। राम ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? राम ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? रामे कहू, बोलो शू इच्छो छो? आज है भरत मिलाप नो दृश्य। आगल जोईए, भरत ने कहा, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाव दे दे। भरत ने कहा, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाव दे दे। भरत ने कहू,
मने तमे तमारा पगनी चाकड़ीओ आपी दो। भरते कह्युं मने तमे तमारा पगनी चाकड़ीओ आपी दो। खड़ाव एटले चाकड़ी, चाकड़ी एटले जे पहेलाना समयमां लाकड़ामांथी बनावेली पादुका एटले चप्पल, जे लाकड़ानी पादुका बनावामां आवती तेने चाकड़ीओ कहेवामां आवे छे। भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर राम ने कहा, खड़ाओ खड़ाओ क्या करेगा? राम ने कहा, खड़ाओ खड़ाओ का क्या करोगे? राम ने कहा, चाकड़ियों चाकड़ियों नु शू करीश? भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरते कह्युं, तेमने सिंहासन पर मूकीने तमारा पाछा आववा सुधी सेवकनी जेम राजकाज करीश। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। भरत नो प्रेम जोईने राम, सीता और लक्ष्मण गदगद थई जाए छे। रामचंद्र आगळ वधीने भरत ने प्रेम थी भेटे छे। चाकड़ीओ लईने भरत तथा नगरजनो राम और भरत ने जय बोलता बोलता रवाना थाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतो रामायणमांथी लेवामां आवेलो एक नानकड़ो भाग, भरत मिलापनो एक नानकड़ो भाग જેને આપણે જોયો। હવે આપણે તેનો હવે આપણે તેમાં શબ્દાર્થ જોઈએ। શબ્દાર્થ છે કુટિયા, કુટિયા યાને કે ઝોપડી, શાયદ, શાયદ યાને કે કદાચિત, શક, તો શક યાને કે શંકા, નિકટ, નિકટ યાને કે નજદીક, ચરણ યાને કે પેર, દોષ યાને કે અપરાધ, કર્તવ્ય યાને કે ફર્જ, આદેશ યાને કે હુકમ ઓર આજ્ઞા, खड़ाओ यानी कि लकड़ी की बनी पादुका। आ छे शब्दार्थ। हवे जोईए मुहावरे। मुहावरे है उत्तेजित होना, उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना, गले लगाना, गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना, गदगद होना यानी कि पुलकित होना यानी आनंदित होना। मुहावरे उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना, गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना, गदगद होना यानी कि पुलकित होना या आनंदित होना। तो विद्यार्थी मित्रों, आ छे आपनो पाठ नंबर 8 भरत मिलाप, जे आपणे जोयो अने तेना शब्दार्थ अने मुहावरे जोया। तो आजनो तमारो होमवर्क छे पाठ नंबर 8 भरत मिलाप मां शब्दार्थ अने मुहावरे। शब्दार्थ अने मुहावरे तमारे तमारी हिंदीनी नोटबुक मां लखवानुं छे। अने हवे पछीना वीडियोमां आपणे तेनो अभ्यास अने स्वाध्याय जोईशुं।